तो फ्रेंड्स, आज हम इस गाड़ी का रेडिएटर फ्लश करने वाले हैं और इस रेडिएटर फ्लश में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं गया होगा। क्योंकि इस गाड़ी का जो रेडिएटर हम फ्लश कर रहे हैं वो एसी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि रेडिएटर कभी आपको खुद से नहीं कहेगा कि जी हमको फ्लश करने का या हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। इस गाड़ी में एसी की प्रॉब्लम थी, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम आई वो किसके अंदर आई? रेडिएटर के अंदर। वो हमने डायग्नोस कैसे की है कि जब इसका एसी चलता है तो बार बार ट्रिप करता है। कैसे ट्रिप करता है? लॉन्ग वे पे जब चलेंगे तो ट्रिप नहीं करता है, लेकिन जब भी गाड़ी कहीं खड़ी हो, पार्क्ड हो, तो और उस समय हम एसी का यूज़ करें तो एसी तुरंत ट्रिप कर जाता है, कूल नहीं कर पाता है। अब हुआ क्यों ये हुआ इसलिए क्योंकि गाड़ी में क्या था, हीटिंग की प्रॉब्लम थी। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आप डिस्कस करूँगा आज इस वीडियो में, और कूलेंट के बारे में भी बताऊँगा। और आज मैंने लिक्की मॉली का ये रेडिएटर फ्लश मंगाया है। इससे पहले मैंने जो रेडिएटर फ्लश किया था वो एडल्यूब के केमिकल से किया था, तो उसका भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हैं आप। और एक मैंने रेडिएटर फ्लश कोक के साथ भी किया था, कोका कोला के साथ, उसका भी आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये देखिए, ये लिक्वी मॉली का मैंने इस बार रेडिएटर फ्लश मंगाया है, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। मुझे पड़ा है अप्रोक्स ये 300 के आसपास मुझे पड़ा है ये, क्योंकि ऑफर में लिया है मैंने। बाकी इसकी MRP जो है 400 समथिंग की MRP है इसकी, और ये कुछ इस तरह से इसका रेडिएटर फ्लश है। अच्छा, रेडिएटर फ्लश करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि वो लास्ट में वो चीज़ मैं बताऊँगा, अगर वो आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर इससे प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो वो भी पॉइंट मैं आपको आगे दिखाता हूँ, कैसे इसको वॉशआउट करना है और कैसे इसका काम करना है। तो ये रेडिएटर फ्लश क्या होता है, जब केमिकल अंदर जाके मिलता है हमारे पानी और कूलेंट के साथ, तो पूरा सर्कुलेट होता है इंजन में, और पूरा इंजन के साथ साथ ये पूरा रेडिएटर को और इसके अंदर रस्ट वगैरह जो होती है उसको डाइल्यूट करता है, और डाइल्यूट करके उसको निकालता है। और इससे होगा क्या कि जैसे ही वो उसकी वेग रास्ता जो है क्लियर हो जाएगा तो पानी उसमें अच्छे से चलेगा, और उसका जो कूलिंग का जो सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा, तो गाड़ी हीट होने की प्रॉब्लम जो है वो चली जाएगी। इसके अंदर भी एक सील है, ये खोल लेता हूँ मैं। केमिकल कुछ इस तरह से, इसके अंदर ये वाइट केमिकल है जो हमको इसके अंदर मिक्स करना है अपने रेडिएटर में। तो मिक्स करने के लिए ये कैप खोलेंगे, और ये कैप खोलने के लिए आप ध्यान रखिए, अगर गाड़ी ज़्यादा गर्म है तो उसको कपड़ा वगैरह लगा के उससे खोलेंगे, क्योंकि मैं इसको पहले ही चेक कर चुका हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर पानी फुल है, तो इसको हम कम कर लेंगे। कम करने के लिए मैं इसके पंप का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये केमिकल डालने के लिए भी उतनी जगह इसमें बनानी है हमको। और मैं ये पूरी बोतल यूज़ नहीं करूँगा, यूज़ करूँगा सिर्फ हाफ बोतल, क्योंकि ये गाड़ी छोटी है और इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो कम है। जो फुल बोतल आती है वो 6 से 7 लीटर कूलेंट के साथ मिक्स करने के लिए इनफ होती है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है हमको एक्स्ट्रा डालने की। तो इस बार मैं इसको हाफ बोतल ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अब सिंपल क्या करना है, ये केमिकल हमको इसमें मिक्स कर देना है। देखिए, रेडिएटर फ्लश करना है तो ईजी, आप लोग खुद से कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स उस कॉसेस के साथ मैं आपको बताता चलता हूँ कि मैं ये पॉइंट क्यों यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं इसको यूज़ करूँगा जब तक गाड़ी स्टार्ट होगी, और स्टार्ट होकर रन करेगी 15 मिनट तक, वो 15 मिनट क्यों कर रहा हूँ मैं? इसके अंदर थर्मोस्टेट वॉल्व है, वो थर्मोस्टेट वॉल्व कब खुलेगा, कब बंद होगा, और उसका इससे क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको समझाता हुआ चलता हूँ। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब क्या करना है हमको, करनी है गाड़ी स्टार्ट, और गाड़ी स्टार्ट करके इसको छोड़ना है हमको कम से कम 15 मिनट तक। कब तक छोड़ना है? 15 मिनट तक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक थर्मोस्टेट वॉल्व होता है। थर्मोस्टेट वॉल्व कुछ इस तरह से होता है, अगर वो थर्मोस्टेट वॉल्व नहीं खुलेगा तो फिर क्या होगा, ये सिर्फ रेडिएटर तक ही इसका सीमित रहेगा, और जब ये वॉल्व खुल जाएगा तो ये इंजन के अंदर जो कंपार्टमेंट है, जो कि हमारा जो एक चैम्बर होता है जिसके अंदर फायर होता है, पिस्टन चलता है, वो चैम्बर खुद इसी केमिकल में यानी कि इसी कूलेंट में डूबा हुआ रहता है ताकि वो ठंडा रहे। तो हमको वो एरिया भी क्लीन करना है, इस वजह से हमको उतनी देर गाड़ी स्टार्ट करनी है जितनी देर की ये थर्मोस्टेट वॉल्व ना खुल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। डॉक्टर साहब, स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है ये, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसको हम रहने देंगे करीब 15 मिनट तक, जब तक कि इसका थर्मोस्टेट वॉल्व नहीं खुल जाता, और ये पूरे अच्छी तरीके से अपने टेम्परेचर पे गाड़ी नहीं आ जाती, और ये पूरा रन नहीं कर जाता। तो इसको साफ़ होने देते हैं, तब तक मैं आपको बताता हूँ छोटी सी एक ट्रिक्स। ये जो है थर्मोस्टेट वॉल्व, थर्मोस्टेट वॉल्व जो है, आपको मालूम होगा कि जब टेम्परेचर आता है तब ये वॉल्व खुलता है, यानी कि वर्किंग टेम्परेचर पर जब गाड़ी आ जाएगी तब ये वॉल्व खुलेगा और तब इसके कूलेंट को फ्लो होने देगा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हमारे इस कूलेंट के अंदर कचरा वगैरह होता है, वो कचरा आके इसमें फंस जाता है, और जब इसमें फंसेगा तो क्या होगा, ये वॉल्व पूरी तरह से क्लोज या ओपन नहीं हो पाएगा। या फिर कभी क्या होता है, इस गाड़ी के अंदर हम कूलेंट ना डाल के सिर्फ पानी मिक्स कर दें, सिर्फ पानी मिक्स करेंगे तो क्या होगा, पानी के अंदर जो कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ग्लास में आप पानी रख दो और उसको 2-3 दिन आप छोड़ दीजिए, एक वाइट कलर की एक लेयर से बन जाती है, तो उसी तरह से लेयर्स हमारी गाड़ी के अंदर भी बनती है।
और वो अंदर तो जहाँ रेडिएटर में बनेगी बनेगी ही, साथ में क्या होगा, थर्मोस्टेट वॉल को भी ख़राब कर देगी। और इस चीज़ को आप ध्यान नहीं रखेंगे तो रास्ते में कभी ब्रेकडाउन हो सकता है। और इसका ब्रेकडाउन कोई आसान बात नहीं है, इसके रेडिएटर की वजह से अगर आपका ब्रेकडाउन होता है तो आपका इंजन सीज होने तक नौबत आ सकती है। यानी कि इंजन जो है हमारी गाड़ी का एक मेन हिस्सा है, इंजन सही है तो सब सही है, तो इंजन ही सही नहीं होगा तो फिर पूरी गाड़ी का कोई मतलब नहीं रहता। और हम कोशिश करते हैं कि जब हम गाड़ी नहीं लेते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि इंजन को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी इंजन खुलता है, खुलने के बाद उसको रीबिल्ड किया जाता है, तो रीबिल्ड करने में 80% इंजन जो है वही सक्सेस होते हैं, बकायदा 20% इंजन जो है सक्सेस नहीं होते हैं, सिर्फ हमको बताया जाता है कि वो सक्सेस हैं। क्यों? क्योंकि बार बार आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आने लगती है, फिर आप कभी जाते हो लीकेज हो रही है, कभी मेन सील लीक हो रही है, तो वो कई सारी प्रॉब्लम रह जाती हैं, कभी गाड़ी हीट होने लगती है। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि हमारी गाड़ी का इंजन ना खुलने पाए, कोशिश ये करें। तो हम बाहर से ही वो प्रिकॉशंस लेते हैं कि हमारी गाड़ी का इंजन खोलने की नौबत ना आए। चुका है, फ़ैन ऑन हो गया है, इसका मतलब यह है कि गाड़ी अपने पूरे टेम्परेचर पर आ गई है। तो गाड़ी पूरे टेम्परेचर में आ गई है, यानी कि 15 मिनट भी हो गए हैं और पूरा 2-3 बार फैन भी चल गया, तो पूरे इंजन में ये रन कर चुका है। अब बारी आती है इसको ड्रेन करने की, और ड्रेन करके मैं एक कलेक्ट करूंगा इसको एक कंटेनर में, फिर आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर से क्या निकला है। तो ड्रेन करने के लिए सबसे पहले इसके नीचे है ड्रेन प्लग, वो नीचे बहुत ध्यान से करना है, पहले करना है गाड़ी को ऑफ, रखता ऑफ कर दीजिए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ड्रेन प्लग ये साइड में, ये ड्रेन प्लग है, इसको खोलेंगे और इसको खोल के इसका सारा ये जो केमिकल था इसमें ड्रेन करेंगे, कंटेनर में सेव करेंगे और फिर डालेंगे ऊपर से नया कूलेंट। इस बार कूलेंट लिया है मैंने ये गोल्डन क्रूज़र का, और ये ओरिजिनल कंपनी का है, और इसी कंपनी की सप्लाई जो है हुंडई में, मारुति में, हर कंपनी में जाती है। और ये इस बार पिंक वाला लिया है कूलेंट, इसका भी एक फंडा बताते हैं आपको। तो सबसे पहले ड्रेन कर लेते हैं। ये ड्रेन प्लग हमने निकाल दिया है और ये नीचे से निकलना शुरू हो गया। अभी ये थोड़ा धीरे धीरे निकल रहा है, जब हम इस कैप को खोलेंगे तो ये फुल स्पीड में निकलने लगेगा। तो इसको कैप खोल लेते हैं। कैप हटाने से होगा क्या कि इसको वेंटिलेशन यानी एयर मिलेगी उधर से, जब इधर से एयर मिलेगी तो वो अच्छे से पूरा जो इसके अंदर बचा हुआ है वो लिक्विड वो बाहर आ जाएगा। और इसके बाद बारी आती है ये रिजर्व टैंक की। देखिए रिजर्व टैंक भी हमको निकाल के साफ करना है, रिजर्व टैंक, क्योंकि इसके अंदर भी कचरा वगैरह रह सकता है, तो हमको कोई भी ऐसा ऑप्शन छोड़ना नहीं है। तो इसलिए रिजर्व टैंक भी हमने निकाल लिया और ये आसानी से निकल जाता है, क्लिप से फंसा हुआ रहता है। हो सकता है अलग अलग मॉडल्स में थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको ये रिजर्व टैंक भी साफ़ करना है। ये देखिए नीचे इसके ये जमा हुआ है, तो ये भी हम इसको वॉश कर लेंगे और वॉश करके फिर हम इसको दोबारा फिट, इसको रख देते हैं थोड़ी देर अभी ठंडा होने के लिए। फिर इसके नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है। इससे पहले अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसको फ्लश करते हैं, यानी फ्लश करना मतलब ये तो अब निकल गया, इसका बचा हुआ जो केमिकल है वो भी निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये खास बात है, बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। देखिए मैंने पाइप से इसको वॉश किया है और नीचे का ड्रेन वाला खोल रखा है इसका। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जब ये रेडिएटर आप इससे भर दें और ऊपर कैप लगा के गाड़ी को स्टार्ट करें, जब उसका थर्मोस्टेट वॉल्व खुल जाए, फ़ैन ऑन हो जाए, फिर उसको ड्रेन करके दोबारा से तब नया कूलेंट आपको डालना है। अब ये देखिए मैंने लिया है डिस्टिल वाटर, और इस पर बैटरी का साइन देख के बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बैटरी में भी यही डिस्टिल वाटर पड़ता है। तो मैंने बैटरी वालों से लिया था 50 रुपये की, ये पूरी बोतल मुझे 5 लीटर की मिली है। तो इसमें से मैं डालूंगा, दो पार्ट डालूंगा डिस्टिल वाटर के और एक पार्ट उसका डालूंगा मैं कूलेंट का। और कूलेंट मैंने इस बार जो लिया है वो रेड वाला पिंक वाला कूलेंट है, जो भी आप बोल सकते हैं उसको। तो ये देखिए पहले मैंने इसके अंदर डाला डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर डालने के बाद इसको हम साइड रख देंगे। और ये गोल्डन क्रूज़र का जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जेन्युइन कूलेंट है और इसी की सप्लाई हुंडई और मारुति वगैरह में, इन सब में रहती है कि उनका ये एक ऑथराइज वेंडर है। तो मैंने ये मार्केट से ले लिया था, और इसका ऑनलाइन का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं। तो इसको सिंपल ओपन करेंगे, एक सील इसके अंदर भी है। कागज़ के पार्टिकल्स वगैरह ध्यान रखना इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि ऊपर की ये सील जो होता है कभी कभी ये सील के पार्टिकल्स भी अंदर चले जाते हैं। तो ये इसको बहुत आराम से इसके अंदर हम डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें पॉइंट्स जो हैं मैं आपको जो बताता चल रहा हूँ, बिल्कुल आप जहन में बिठा लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी, फिर आप बोलेंगे जी नहीं हमसे हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये देखिए मैं कर रहा हूँ इसको, तो आप भी कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये थोड़ा सा मैंने कूलेंट इसमें हिला के रिज़र्व टैंक में डाल दिया, रिज़र्व टैंक को यहाँ लगा दूंगा। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जब पूरा अच्छे से ये रन हो जाएगा, तो फिर एक बार हमको सुबह निकालने से पहले इसका कूलेंट लेवल ज़रूर चेक करना होता है, यानी कि कूलेंट लेवल जो है, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी तो थोड़ा बहुत एयर वगैरह इधर उधर होती है, तो वो एयर वगैरह बबल्स निकलेंगे, और निकलने के बाद जो भी उसका कूलेंट लेवल अप डाउन आना होगा वो लास्ट में फाइनली आप इसको टॉप अप कर दीजिए, यही डिस्टिल वाटर से टॉप अप कर दीजिए, कोई इशू नहीं।
और अपनी समझ से जितने भी पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते रहते हैं वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताता चलता हूँ, लेकिन फिर भी इंसान है, हो सकता है कोई गलती हो, कुछ रह जाता है, तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में नीचे हम उससे लिख के पूछ सकते हैं और मैं रिप्लाई भी जेन्युइन करता ही हूँ, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई आपकी क्वेरी है, कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो बनाने के लिए देखिए मेहनत करता हूँ मैं, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।